हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं मेथोकॉम और आज हम लोग बात करने वाले हैं VMU यूनिवर्सिटी के द्वारा जो फाइनल ईयर के बच्चों के एग्जामिनेशन होने वाले हैं 21 सितंबर से, उन बच्चों के लिए फाइनल ईयर का एग्जाम का पैटर्न, परीक्षा पैटर्न, पेपर पैटर्न किस तरह से रहने वाला है। पेपर पैटर्न को हम लोग देखेंगे, अ पार्ट और ब पार्ट कितने मार्क्स का रहने वाला है वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा बोर्ड की वेबसाइट पर, VMU यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपके टाइम टेबल के रिगार्डिंग अपडेट आ चुकी है, तो टाइम टेबल किस तरह से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करते समय किस तरह की सावधानियों का हमें ध्यान रखना है वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। जैसे ही गूगल में टाइप करते हैं हम लोग VMU और VMU के होम पेज पर आते हैं, होम पेज पर यह नोटिस दिखाई देता है, डाउनलोड परमिशन लेटर फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन इन टर्म एंड एग्जामिनेशन जून प्रेस रिलीज। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होता है आपके सामने, ये वाला पेज ओपन होता है। इस वाले पेज में क्या कहना चाह रहे हैं वो देखते हैं। इस वाले पेज में ये कहना चाह रहे हैं 21/9 से जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं VMU के MSc डिप्लोमा, PG डिप्लोमा और इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के एग्जामिनेशन का टाइम क्या रहेगा, 10 से 12 रहेगा, पारियां दो पारी रहेगी, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। 3 घंटे का समय करके कितने घंटे का कर दिया गया है, 2 घंटे का कर दिया गया है और एक पारी रहेगी 2 से 4 बजे तक। इसके अलावा इसमें जो मेन बातें हैं वो देखने वाले, अभी तक जो पेपर आता था उसमें 3 पार्ट आते थे, अ ब स, अब क्या होगा, स को हटाते हुए परीक्षार्थी को केवल अ और ब ही हल करने का निर्देश दिया जाता है। हमें क्या करना है, स वाला पार्ट जो 16 मार्क्स का आता था वो नहीं हल करना है, अ और ब वाला पार्ट ही हल करना है, स के हल नहीं करना है। खंड स के उल्लिखित प्रश्नों के अंक खंड ब के प्रश्नों के अंक में जोड़कर मूल्यांकन किया जाएगा। खंड स के जो मार्क्स होते थे 32 मार्क्स, वो भी अब किसमें मिलेंगे, आपको खंड ब में ही मिलेंगे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटे पूर्व आप लोगों को वहां पर उपस्थित होना है। इसके अलावा ये जो कोविड के निर्देश दिए गए हैं ये भी आप लोग देख लीजिए, और ये वाला जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। पेपर पैटर्न देख लेते हैं, आज से पहले पेपर पैटर्न किस तरह का हुआ करता था और अब किस तरह का रहने वाला है। आज से पहले जो पेपर पैटर्न हुआ करता था, हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2019 का कोई पेपर है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, MSc फाइनल ईयर का पेपर है दिसंबर 2019 का। इसका जो पेपर पैटर्न आज से पहले रहता था उसमें क्या होते थे, 3 सेक्शन होते थे, ए बी सी, ए सेक्शन 16 मार्क्स का, अभी भी ए सेक्शन 16 मार्क्स का ही रहेगा, बट जो सेकंड सेक्शन बी सेक्शन जो 4 क्वेश्चन हमें 8 में से करने होते थे और वो 32 मार्क्स का होता था, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता था, 8 मार्क्स का होता था, वो 8 मार्क्स का ना होते हुए कितने मार्क्स का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए बी सेक्शन हो जाएगा, बी सेक्शन का एक क्वेश्चन हो जाएगा 16 मार्क्स का, 16x4 आपका हो जाएगा 64, तो टोटल 80 मार्क्स जो होंगे वो यहीं से कैलकुलेट होंगे। सी वाला जो पार्ट होता है वो आएगा जरूर पेपर में बट आप लोगों को इसे सोल्व नहीं करना है, तो ये एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड किस तरह डाउनलोड करने हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ क्लिक करना है, जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं इस तरह की पेज ओपन होगा। इस वाले पेज में हमें क्या करना है, आप अपना एडमिट कार्ड अपने स्कॉलर नंबर से कर सकते हैं, इसके अलावा नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अगर एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम पाई जाती है, अगर आपको कोई लगता है आपका पेपर गलत आ गया, सेंटर गलत आ गया है, उस केस में आपको इस साइट पर अविलंब मेल कर देना है। यहाँ पर सर्च बाय नेम में जाएंगे और सर्च बाय नेम में जैसे ही क्लिक करते हैं आप नाम के अनुसार भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर किसी का एडमिट कार्ड हमने डाउनलोड कर रखा है तो वो एडमिट कार्ड में उनके एग्जामिनेशन 3, 6, 8, 10 और 13 को हैं। उनके एग्जामिनेशन का सेंटर क्या है, विद्यापीठ है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, 1 घंटा पूर्व जाना है, 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे का है, और ब को ही हल करना है, स के अंक को ब में जोड़ दिया गया है, ये सारे निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। सारी बातें आप लोगों के सामने क्लियर है। अब आप लोग क्या करेंगे, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन, स वाला सेक्शन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, बी पर बहुत ज़्यादा जोर देना है। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।